ये आतंकवादी पाकिस्तानी मानसिकता से जुड़े लोग अपना नेचर सिग्नेचर नहीं छोड़ते हैं, उसको प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को हम कतई नहीं चलने देंगे, हर हाल में मिटाएंगे। देखते जाइए अभी क्या क्या होता है। स्वार्थ के गठबंधन बहुत देर तक नहीं चलती। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की आज जयंती है। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने उनको याद किया है और ऐसे में उनके द्वारा यह साफ कहा गया है कि जिस तरीके से श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है। इसके साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि कश्मीर में लगातार बिहारियों को मारा जा रहा है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इसको लेकर विजय सिन्हा ने यह साफ कहा, हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कह दिया है कि आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध को छोड़ा नहीं जाएगा, जो लोग करेंगे इस तरीके से काम उनको बक्सा नहीं जाएगा। इसके साथ ही जिस तरीके से राजद झारखंड चुनाव को लेकर नाराज चल रही है महागठबंधन से अपने, इसको लेकर भी विजय सिन्हा ने बयान दिया है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री, सुने आप लोग। आज बिहार के नव निर्माता, नए बिहार का, जिन्होंने सृजन ही नहीं किया, नया निर्माण भी किया, बिहार के सामाजिक सद्भाव को बढ़ाया और सबका साथ सबके विकास के जो मंत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेके चल रहे हैं, आज इन्होंने उसका नींव रखा। आज बिहार के श्री बिहार के इस लाल को सत सत नमन करते हैं और निश्चित तौर पर हर लोगों से इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि सबको लेकर के बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने का संकल्प साकार करने का अवसर आया है। ये कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, बिहार के 3 लोग दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आतंकवादी पाकिस्तानी मानसिकता से जुड़े लोग अपना नेचर सिग्नेचर नहीं छोड़ते हैं, उसको प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को हम कतई नहीं चलने देंगे, हर हाल में मिटाएंगे, और उस ओर कदम बढ़ाया है, बौखला करके इस तरह का आक्रमण दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड में चुनाव होना है, जेएमएम में कांग्रेस सीट बंटवारा कर गई है, लेकिन आरजेडी की नाराजगी वहां पर, देखते जाइए अभी क्या क्या होता है। स्वार्थ के गठबंधन बहुत देर तक नहीं चलती। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। देखिए, श्री कृष्ण सिंह को उन्होंने याद किया है। इसके साथ ही जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बिहारियों के ऊपर हमला हुआ, हत्या कर दी गई आतंकियों के द्वारा, इसको लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से ऐसे हो रहा है बिल्कुल ये निंदनीय है, और ऐसे में जिस तरीके से अपराध जो लोग कर रहे हैं, जिन आतंकियों के द्वारा इस तरीके का कुकृत किया जा रहा है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे नेता प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है, आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध को छोड़ा नहीं जाएगा, अपराध जो करेंगे उनको बक्सा नहीं जाएगा। इसके साथ ही जिस तरीके से झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर राजद और साथ ही कांग्रेस पार्टी के जेएमएम के गठबंधन को लेकर साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसे में गठबंधन ये टिकने वाला नहीं है। और ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।